बड़ी बात है कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बच्चों को खाने में छिपकली गिर गया था और उसी दाल को बच्चों को दिखाया गया है और बच्चों को खिलाया गया है। अब समझ जाइए बिहार सरकार की नाकामयाबी इस प्रकार से हो गई है कि बच्चों को अब छिपकली के दाल खिलाना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे उपस्थित है कि डेढ़ दर्जन बच्चे सदर अस्पताल में। हाँ बोलो। बोलता है नाम काट देंगे। कौन बोलता है? मास्टर। मास्टर सर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि नाम काट देंगे। अच्छा ये बताओ दाल में छिपकली कैसे गिरा बताओ? लेकिन कह रहे हैं सर उसको पतरज करना, कोई आएगा पूछने के लिए तो गिरा छिपकली लेकिन पतरज बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सर क्या बात है आप लोग बताइए क्या बात है? सर बच्चा हमको भर्ती था, हम कल बाजार गए थे, दाल वाला बिछौती गिरा है। यानी दाल में बिछौती गिर गया था। अच्छा उसके बाद ये दाल खिला दिया और ये बच्चे को मिला टंगरी तो बोला कि टमाटर क्या थी बैगन के दाम थी। अच्छा सब बोल रहा कि बैगन की थी तो किसी को हॉस्पिटल में जाने के लिए किसी को नहीं। की क्या बात क्या आखिरकार कहाँ पे कमी है क्या दिक्कत है बताओ? छिपकली गिर गया तो बोल रहा पात्र बच्चा लोग कर रहा हॉस्पिटल जा रहा है। कितना बच्चा को दिक्कत का सामना करना? 24 बच्चे को दिक्कत। समझ जाइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि बच्चों के शिक्षा के साथ तो बदमाशी कर ही रहे सब लोग, अब बच्चों के जिंदगी के साथ बदमाशी आप लोग मत कीजिए। अब बताइए आलू को चोखा गुड़ दिया जाता है सर? सड़ा आलू रहता है सर उसको चोखा गुड़ दिया जाता है सड़ा आलू को। अच्छा एक मिनट इधर आइए, क्या बात है बताइए क्या दिक्कत है? बोलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत है बच्चा के मार देगा स्कूल में क्या करेगा तुम लोग? क्या मिला था? छिपकली मिला था? नहीं छिपकली नहीं, गिर गिर के गोर हाथ मिला दाल में। दाल में कब कई बार तो बच्चा खा, हम लोग तो नहीं जानते हम लोग बच्चा आया यहाँ पर पढ़ाई। अब समझ आइए कि बच्चों के खाने में इस प्रकार से जब गिरगिट का और छिपकली का दाल मिलता है, आप समझ सकते हैं कि लोगों के ऊपर बच्चों के ऊपर क्या बीतेगा। क्या मिला था दाल में? दाल में गिरगिट गिरा। कब? तो कल। कल मिला था। अच्छा छिपकली छिपकली में सच मिला था? मिला था मिला था छिपकली मिला था। अब समझ जाइए सब बच्चों के जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों को जब उचित पढ़ाई नहीं मिलता है अब इन बच्चों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर अस्पताल में देखे होंगे डेढ़ दर्जन बच्चों छिपकली वाला जो दाल गिरा था वो खाने से सबके स्वास्थ्य खराब हो गया था। और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमारा बिहार सबसे आगे है, बिहार सरकार कहती है कि हमारा बिहार सबसे आगे। क्या दिक्कत था बताइए चाचा, क्या हुआ था? हमने कुछ आनी सबको कही। आप इसी गांव के हैं? हर गांव के तो हैं। तो अब बच्चों का कहना है क्या कहना है क्या? आप तो शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा पर कमी हो रही है, शिक्षा नहीं मिलता। अच्छा छिपकली का क्या बात है? छिपकली तो गिरा था सर, सीझा था, पतरज गिरा था, हम कैसे दिखा दिया पतरज था? कौन दिखाया? बाहरी लोग आएंगे तो कह देना कि पतरज था। कौन बोला था? उमेश सर। कहाँ है उमेश सर? चलो अंदर चलो, उमेश सर कौन है? इधर आइए, किसी का नाम नहीं कटेगा। एक मिनट आइए, हटिए आइए इधर एक मिनट। एक मिनट सर, उमेश जी किनका नाम है? उमेश, उमेश आपका नाम है। एक मिनट आप आइएगा, अब इधर आ जाइएगा। सर बच्चों का आरोप है कि दाल में छिपकली गिरा था, लेकिन बच्चों का कहना है कि उमेश सर जब हम उनसे बात करने गए तो उमेश सर बोले कि ये पतरज का डंटी है और ये बैगन का डंटी है, लेकिन बच्चों का कहना है सर कि छिपकली का पैर मिला था और उसमें दाल मतलब खाने से डेढ़ दर्जन बच्चों मतलब अस्वस्थ हो गए। क्या कहना चाहिएगा? गलत अफवाह है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम अपना कुमार उमेश चंद्र प्रभारी प्रधान। घर कहाँ? घर हमारा बलिया बुजुर्ग अकबरपुर है। अच्छा किस पद पे आप इस स्कूल में? हम प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्यरत है। अच्छा 34,540 कोटि के हम शिक्षक हैं। अच्छा बच्चों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें सत्यता क्या है झूठ क्या है बताइए? सत्यता सबको अथी किया हुआ है, डायरेक्टली जो इसको जो है डायलेमा दे करके फंसाने के लिए एक आदमी प्रेरित किया है। कौन?
संजय सिंह है जो पंचायत समिति का सदस्य है। अच्छा, वही इतना कर रहा है। अच्छा, तो अचानक मतलब बच्चों के अंदर इतना मोटिवेशन बात कर देना। हाँ। और मीडिया के सामने बच्चों वही बात रख रहे हैं जो सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों? हाँ, हो रहा है। ये चलते कि पहले हम प्रभारी हम थे, ठीक है, 20 तारीख को रविभूषण बाबू प्रभार दिए। अच्छा, तो प्रभार दिए, प्रभार हम सब दे दिए। हाँ। अब रह गई बात की प्रभार की, अभी चर्चा चल रही थी कि टोटल वित्तीय प्रभार आप कैसे संभालना है। हाँ। उसी के लिए ही बनाया जा रहा था कि इनको ऐसा कर दो। अच्छा, एक मिनट, पूरे गाँव वाले और आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका एक ही आरोप है, आखिरकार इसमें क्या बात है? क्या जी, सब बच्चा का सर एक ही आरोप है कि दाल में छिपकली मिला, बढ़िया पढ़ाई नहीं होता। आखिरकार सच क्या, आपका बच्चा मिला था आपके बच्चे को मिला था? नहीं, हमको बच्चा थारी लगी है, लेकिन किनका बच्चा के मिला था, हाथ उठाइएगा। इतना में किनका बच्चा के मिला था? इतना में किसी का बच्चा नहीं है। किसका? इधर आई, मिला तुमको क्या मिला था बता तुम? गिरगिट्टी नहीं मिला। तब क्या मिला? बिछौती। बिछौती कहाँ मिला था तुमको? थारी में। थारी में? कब? दाल भात सब्जी। तो खाई थी? हाँ। उसके बाद क्या हुआ था? पेट अकबक। पेट अकबक लगने लगा था, उसके बाद उल्टी कर लगा। अच्छा, आप लोग कौन है, गार्जियन है इनके? नहीं। तब इनका गार्जियन नहीं है। कौन है इनका गार्जियन? कौन है? आप आइए इधर, क्या बात है बताइए। बचवा कल है सर, हम गया है बाजार दिखाते। अच्छा, तो वहाँ से लेना है। अच्छा। बच्चा तो सुइया दवा पर आए तो हो सर। अभी भी कोई दिक्कत है तुमको? ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? ना। कोई दिक्कत कभी भी? तीन सुइया पर नहीं ना। और बताइए, और क्या क्या मतलब आप लोग को क्या लग रहा है? सर का कहना है कि लोग मतलब टीचर को फंसाने के लिए इसलिए गाँव वाले मिल के साजिश रखते हैं, झूठ बात है फंसाने के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही कि बल बच्चा को भीड़ लगाने से मेरा गांव फांसी मिल जाएगा हम लोग। कौन बोला? सर बोल रहे हैं भीड़ लगाने से फांसी मिल जाएगा। हाँ, तुम लोग को अच्छा। इधर आइएगा भाई साहब, आप थोड़ा कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या इसमें क्या सत्यता है जो बताइए? इसी गांव के हैं आप? हाँ। क्या बात है बताइए? हम तो आज ही आए थे। तो सूचना मिला होगा ना, आप आज आए हैं तो मैं अभी आया हूं, आप आज आए हैं। सूचना मिला कि बच्चा के अभी थाली में छिपकली सबको मिला है। ये सत्य बात है क्या? असत हम तो देखे नहीं है, लेकिन बच्चा लोग बोल रहा है तो विश्वास कर। अच्छा, तो टीचर के द्वारा एक आरोप लग रहा है कि मतलब हमको फंसाने के लिए इस प्रकार से गांव वाले मिलके और बच्चे मिलके इस प्रकार से कर रहे हैं। नहीं नहीं, मिला था, छिपकली था, कल स्कूल आई थी पढ़ने के लिए। सर भी झूठ बोल रहे हैं। तुमसे भी मिला था? अब समझ जाइए, सबसे बड़ी अहम जानकारी एक चीज मिल के आ रही है कि लोग यहाँ कहाँ गए बीओ सर? अच्छा, बीओ सर भी झूठ बोल रहे हैं कि सर एक मिनट बात करेंगे, रुकिए ना एक सेकंड, इसमें क्या सत्यता है आप बात कीजिए, क्या एक मिनट खड़ा रहिए सर, एक सेकंड मैं एक सेकंड, क्या सत्यता है बताइए, क्या सत्यता है? अब जो जात की है क्या सत्यता है जी? इसमें मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। मैं 2 मिनट आपसे बात करूँ, हल्ला नहीं सर, 2 मिनट बात करूँ, 1 मिनट एक मिनट कितना पानी की, 1 मिनट आप जिस जगह पे सर बैठे हुए थे और पूरे बच्चे और ग्रामीण मिलके एक आरोप लगा रहा है सर कि मतलब बच्चे के दाल में छिपकली मिला है, कहीं एक मेरा बात सुन लीजिए फिर मैं आपका सुन जाऊंगा। हाँ, वो मनगढ़ंत बात है। अच्छा, यदि छिपकली गिरती तो बच्चा अभी हॉस्पिटल में रहता। अच्छा, वो बच्चा पढ़ने के लिए हॉस्पिटल तक कैसे बच्चा पहुँच गया? हॉस्पिटल तक क्यों पहुँच गया? कैसे घेरे में ले गया? किसने उन्नीस बच्चे को जांच किया जा रहा है? जो गुणवत्ता पूर्ण जो जो संसाधन जो मिलता है वहाँ बच्चे के विकास के लिए, चाहे वो ड्रेस का हो, भोजन का है, बच्चा बहुत शिकायत गार्जियन करे सही तरीके से भोजन नहीं मिलता है। जो बच्चा आएगा 75% उपस्थिति होगी जी, उसी को ड्रेस मिलेगा, ड्रेस अन्यथा नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलता है सही तरीके से? भोजन भी मिलेगा, जो जो मेनू में आता है मेनू में नहीं मिलता है, सारे ही मिलता। और मास्टर जो समय पे नहीं आते सर, टीचर जो एक महीना में 10-10 दिन गायब रहते हैं, उनको पूरा पेमेंट दिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, गायब रहते हैं बच्चों के खिलाफ आप क्यों कर रहे हैं? यदि वो इस तरह की घटना, इस तरह की बात, गार्जियन का आप जो है सो हमको फोन करिएगा, हम जो है सो उसका बच्चों के अभिभावक। इसमें आपके द्वारा जांच किया गया, क्या निकल के आया है?
अभी तो आया कि वही बात है, बेबुनियाद जो है। अच्छा, किसी प्रकार का कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं है। अच्छा, अभी देख लीजिए, हमारे साथ बीओ साहब थे और सर का कहना है कि मैं अभी स्कूल में आया था जांच करने के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिला। लेकिन तमाम देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित है गाँव के, और उनका कहना है कि बच्चे के दाल में छिपकली मिला था। अब इसमें क्या सत्यता है, मैं जांच करूंगा और जानने के क्या सत्य मिला था। हाँ सर, मिला था। अब समझ जाइए, सबके मुंह में एक ही सवाल जवाब है कि बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ तो खिलवाड़ किया ही जाता है, अब बच्चों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 17-17 बच्चों के दाल में छिपकली मिला है। अब समझ जाइए, बीओ साहब अभी यहाँ पे दिखाइएगा, कैमरे दिखाइएगा। पैसा के बात को दबा दिया जा रहा है। कौन कौन पैसा ले रहा है? कोई भी नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। बीओ साहब झूठ बोल रहे हैं। अब समझ जाइए, सबके बच्चा के अंदर एक ही चीज है कि बीओ साहब झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों का जिंदगी बर्बाद किया जाता है। अब समझ जाइए, सबसे बड़ी बात है, तमाम एक बार दिखाइएगा जितने लोग यहाँ पे हैं सब। हाँ, स्कूल का जो ऑफिस है, पानी गिर रहा है। क्या है? पानी गिरता है। अब समझ जाइए, पानी गिर रहा है ऑफिस में, पानी ऊपर से गिर रहा है। अब बच्चों को उचित शिक्षा क्या मिलेगा, बच्चों को बढ़िया पढ़ाई क्या मिलेगा, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं।